हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवेज़ के अंदर मोस्टली आते ही हैं। स्टार्ट करने से पहले एक कोर्स देख लेते हैं। नो मैटर हाउ मैनी मिस्टेक्स यू मेक और हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इज़ नॉट ट्राइंग। हम कितनी भी गलती करते हैं लाइफ में या कितना भी स्लो प्रोग्रेस करते हैं, हम उनसे तो आगे ही होते हैं जो ट्राई नहीं कर रहे हैं कुछ करने की। क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इसके। इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ ए 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं हम? हम ड्राफ्टिंग मशीन से भी 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं, प्रोट्रैक्टर के से बना सकते हैं, और 30-60 ट्राइंगल जो ऐसे होता है, 30-60, एक साइड 30 एंगल, एक साइड 60 एंगल, एक 90 डिग्री एंगल, इन सब से हम 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। विच सेट ऑफ लेड ग्रेड्स हैज़ ए ग्रेड आउट ऑफ सिक्वेंस। अब सिक्वेंस चेक करने के लिए मैं ये देखता हूँ, ये हमारी सिक्वेंस होती है 9H2 9B, बीच में क्या आता है, एच भी आता है एफ भी आता है, लेकिन सीरीज ये रहती है 9H 8H 7H 6H, बीच में फिर एफ आएगा, फिर एच बी, फिर बी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जो एच सीरीज होती है वो हार्डेस्ट होती है और बी सीरीज होती है सॉफ्टेस्ट होती है, मीडियम होते हैं हमारे एफ और एच बी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है इसने कि ग्रेड आउट कौन सा है, एच एच बी बी 3B, ये तो ठीक है हमारा ग्रेड आउट है ये वाला 7B H F 3H, ये अगर यहाँ पे होता है F4H तब ये ठीक था, तो ये सीरीज से आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्ट ऑफ ए डायमेंशन, इनमें से कौन सी लाइन डायमेंशन के पार्ट है। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन लाइन को कौन सी होती है, कॉन्टीन्यूअस थिन लाइन होती है, और ये रही हमारी थिन लाइन कॉन्टीन्यूअस, ये हमारी है एक्सटेंशन लाइन, इसका आंसर है एक्सटेंशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन इज पर्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग, सेक्शन ड्राइंग के अंदर कौन सी पर्टिकुलर लाइन यूज़ करते हैं। सेक्शन ड्राइंग के अंदर हम यूज कर, ये हमको ये दोनों की दोनों टेबल याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे थिक लाइन होती है, एक कॉन्टीन्यूस थिन होती है, एक थिन वेवी होती है, एक जिग जैग वाली होती है, एक शॉर्ट डैश होती है, और एक हमारी लॉन्ग चेन थिक होती है। तो इसने पूछा है कि सेक्शन ड्राइंग के लिए कौन सी लाइन हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कटिंग प्लेन लाइंस, कटिंग प्लेन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एंगल कैन नॉट बी मेड विद आइदर A45 और 30-60 ट्राइंगल और एक कम्बिनेशन ऑफ द टू। एक हमारे पास होता है 45 डिग्री वाला ट्राइंगल, 45 45, एक 90 डिग्री एंगल, एक होता है 30 60 एंड 90 डिग्री। तो इन दोनों को यूज़ करके कौन सा एंगल बना सकते हैं, 90 तो दोनों से बन जाएगा, 30 भी बन जाएगा एक से, 15 भी बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे एक बीच में 45 बना दूँ और एक 30 का बीच से निकाल दूँ तो एक 15 डिग्री का बन जाएगा, लेकिन 70 डिग्री नहीं बनेगा, तो इसका आंसर आया 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट यूजली कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमारे बो कंपास भी होता है, स्केल भी होता है, डिवाइडर्स भी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा लेड नहीं होता है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच लाइन टाइप इज थिन एंड लाइट। अब देखना इसके अंदर हम हमारे पास थिन कौन कौन सी होती है, कॉन्टीन्यूस थिन, ये डायमेंशन लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है, सेक्शन लाइन होती है, लीडर पॉइंटर लाइन होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो ये थिन एंड लाइट होती है। कभी पूछ लेगा थिक लाइन कौन सी होती है, कभी पूछ लेगा जिग जैग लाइन कौन सी होती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप लाइन इज थिक एंड ब्लैक, तो थिक एंड ब्लैक कौन सी है इसके अंदर, ये रही विजिबल एजिस, तो विजिबल लाइन्स कौन सी है, थिक एंड ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ लाइन हैज़ प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर टाइप ऑफ लाइन्स, इनमें से सबसे ज़्यादा
प्रेसिडेंस मतलब प्रधान, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रधान कौन सा होता है? जो हमारी विजिबल लाइंस होती है। विजिबल लाइंस कौन सी होती हैं? जो थिक लाइन होती है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंस ऑफ लाइन? इनमें से कौन सा, जैसे पहला दिया हुआ है हिडन लाइन जो होती है सेंटर लाइन से प्रधान होती है। दूसरा ऑप्शन है सेंटर लाइन जो है विजिबल लाइन से प्रधान होती है, लेकिन हमने तो बताया कि सबसे ज़्यादा प्रधान कौन सी होती है? विजिबल लाइन्स। नेक्स्ट है, विजिबल लाइन्स हैज़ प्रेसिडेंस ओवर मीटर लाइन? मीटर लाइन से ज़्यादा होती है प्रधान, ये भी नहीं होती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन यू वांट टू मेक द लेटर्स ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट नैरोवर, यू वुड सेट इट्स, जैसे मैं कोई लेटर लिखता हूँ बी, अगर मैंने ये नैरो करना है, मैं ऐसे कर दूँ, इतनी ही हाइट रखूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये सेटल नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे को इसकी एस्पेक्ट रेशो सेम रखनी पड़ेगी, यहाँ से हाइट कम कर दूँगा, विड्थ कम कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड डिजाइन इन द मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी यूनिट कौन सी होती है? मिलीमीटर में हम सब काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रॉ द लीड लाइन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज यूज्ड, लीडर लाइन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? ये यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, इसमें थिन ऐड कर लेना, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रेंच कर्व इज यूज टू ड्रॉ, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए फ्रेंच कर्व क्या होता है। फ्रेंच कर्व होता है ये, इससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम? स्मूथ फ्री फॉर्म कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग, अब ड्राफ्टर का पता होना चाहिए, ये हमारे पास मिनी ड्राफ्टर, किसके लिए यूज़ करते हैं हम? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। कई बार बोर्ड के बारे में पूछ लेता है, जैसे बोर्ड का बॉटम पार्ट है, वर्किंग एज ये होती हैं, ये दोनों साइड जो फट्टी लगी होती हैं ये बैटन्स होती हैं, यहाँ पे इबोनी एज होती है जहाँ पे हम क्लैंप करते हैं हमारे मिनी ड्राफ्टर को, या टी स्क्वायर भी लगाते हैं यहाँ पे इबोनी एज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लेड्स इज हार्डेस्ट, इनमें से हार्डेस्ट कौन सी है? एच वाली सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू ड्रा स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, यहाँ पे ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट होगा फ्रेंच कर्व, हम ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जो स्मूथ कर्व के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, पैरेलल लाइन किस किस से कर सकते हैं हम? मिनी ड्राफ्टर से भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीरीज ऑफ पेपर हैज़ लेंथ टू विड्थ रेशो ऑफ अप्रोक्सीमेटली, जो ये ए सीरीज है हमारी, A0, A1, A2, A3, A4, जैसे इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है, इनकी रेशो जो होती है ये होती है √2:1। नेक्स्ट हम स्केल्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, स्केल्स के क्वेश्चन है, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिडक्शन स्केल, इनमें से रिडक्शन स्केल कौन सा नहीं है? रिडक्शन का मतलब ये है कि मेरे पास एक कोई बड़ी मशीन है, उसकी ड्राइंग बनानी है, तो मैं उसकी स्केलिंग कर लूँगा, उसके एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से छोटा कर लूँगा उसकी डायमेंशंस को। तो जैसे ये जो दिखाया 1:1, ये तो सेम रेशो में दिखाया, तो ये रिडक्शन स्केल नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर ड्राइंग ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉचेस एक्सेट्रा द स्केल इज़ यूज्ड, अगर मेरे पास कोई स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है उसको मैंने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मेरे को उसकी स्केलिंग क्या करनी पड़ेगी? एनलार्ज करनी पड़ेगी, ऑप्शन सी। व्हेन द ड्राइंग आर ड्रॉन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज, अगर मैंने छोटा साइज का बनाना तो वो रिड्यूस्ड स्केल होगा। नेक्स्ट है, इफ द 10 मीटर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज 1 mm ऑन द मैप, देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन चार ये
सब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के ऊपर हैं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं और क्या होता है। जैसे डायमेंशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस टू अकोमोडेट ऑन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट्स के ऊपर ताकि आ जाए, इसके हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेते हैं। वो एक फ्रैक्शन के अंदर होता है। वो फ्रैक्शन क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ, ये जो रेशो होता है ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। एरिया के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल एरिया का रूट। अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूब रूट ने लगा देंगे जो हम ड्राइंग पे वॉल्यूम है और एक्चुअल वॉल्यूम है, तो अब इसके ऊपर आते हैं कि एक हमारे पास 10 मीटर लेंथ है और 1 mm मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब अगर 1 mm को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर को अगर मैं mm में कन्वर्ट करूँगा, ये तो हो गया सेंटीमीटर और फिर mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर और mm 10,000। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज। आरएफ की फुल फॉर्म पूछे तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये पहले ही पढ़ दिया है। जैसे ये क्वेश्चन है, आरएफ ऑफ स्केल इज ऑलवेज, जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है वो लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इनमें से कौन सा होगा, एनी ऑफ दीज, कोई भी हो सकता है। जैसे एनलार्ज स्केल का भी आ सकता है और हमारा रिड्यूस स्केल का भी आ सकता है और इक्वल का भी आ सकता है। द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जब हमारी लेंथ से लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं, मीटर से मीटर को डिवाइड कर रहे हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं रहती है, मतलब नन ऑफ दीज। आरएफ की फुल फॉर्म देख लिया हमने, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए मैप ऑफ 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, ये जो दिखा दिया है, मतलब एरिया दे दिया हमको, मैपिंग का एरिया दे दिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एरिया है हमारे पास क्या है, 50,000 स्क्वायर मीटर। तो इसके निकालने का, आरएफ निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय 50,000, तो मीटर स्क्वायर मीटर में था, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, इसका रूट हो जाना था, क्योंकि एरिया में रूट होता है और वॉल्यूम में क्यूब रूट होता है। तो आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 2500। नेक्स्ट है, एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेटेड बाय 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारे पास 36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो रिप्रेजेंट करा मैप के ऊपर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 144 डिवाइड बाय 36 किलोमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऐसे डिवाइड करने के बाद 1 डिवाइड बाय 50,000, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स में मेरे को मेजरमेंट्स चाहिए, द अप्रोप्रिएट स्केल इज, इनमें से कौन सी स्केल अप्रोप्रिएट है, वो होती है हमारी डायगोनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायगोनल स्केल द वर्ड डायगोनल इज यूज्ड बिकॉज इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डायगोनल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डायमीटर ऑफ ए सर्कल भी, डायमीटर ऑफ ए स्क्वायर भी और साइड ऑफ पेंटागन भी सब निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारे पास
डायगोनल स्केल, जैसे इसको यार्ड्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर एमएम में कन्वर्ट करना है, सब कर सकते हैं। एक हम कोई भी लाइन लेते हैं, उसके ऊपर अपने हिसाब से कंपास के साथ डिवाइड करके पार्ट में, और जितने हिस्सों में उसको बांटना है वहाँ पे मिला के इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम कर्व्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू साइड ऑफ कॉन। अब ये कर्व चेक कर लेते हैं। पहले कर्व हमारे पास होते कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है ऑप्शन पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ये सब ऑप्शंस चेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्या क्या है। जैसे ये जो ऐसी शेप होती हैं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है और ये वर्टेक्स होता है, ये होता हमारा पैराबोला। जो ये नॉर्मल एक टेंजेंट डालते हैं, ये जो रेड लाइन शो कर रहा है, ऐसी शेप जो होती है ये होती है इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल, इस सर्कल के इन्वोल्यूट के ऊपर। जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट डालते जाते हैं, उनसे एक इन्वोल्यूट बनता है सर्कल का। जो ये दिखाया गया है ये हमारा है हाइपरबोला, और जो ये दिखाया गया है ये हमारा है आर्किमिडियन सर्कल, और जो ये दिखाया गया है ये हमारा है एपिसाइक्लोइड, सॉरी ये है हमारा एपिसाइक्लोइड। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पैरेलल टू साइड ऑफ कॉन। जो साइड ऑफ कॉन होता है, अगर इसके इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पैरेलल टू साइड ऑफ कॉन के यहाँ से हम काट दें, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसी शेप बनेगी। ये क्या होगा, हमारा पैराबोला। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद ए कॉन विच मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस ग्रेटर देन द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ कॉन एंड द एक्सिस। इसका आएगा हमारा हाइपरबोला। नेक्स्ट है, ए साइक्लोइड इज क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल एज द सर्कल रोल्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारा ये दिखाया गया है ये हमारा है साइक्लोइड, जो ऐसे रोलिंग करते हैं आगे आगे, तो इनसे बनता है हमारा एक साइक्लोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सर्कल विल अपियर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एज। एक सर्कल जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ऊपर कैसा दिखेगा, एक इलिप्स दिखेगा। जैसे ये सर्कल है, इसका मैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू इलिप्स जैसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व जनरेटेड बाय ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लीपिंग अलोंग आउटसाइड ऑफ अनदर सर्कल इज नोन एज। इसको बोलते हैं एपिसाइक्लोइड। जैसे एक सन प्लेनेट वाला एक डिज़ाइन आता था हमारा, जैसे गेयरिंग का डिज़ाइन होता है, ये हमारा सन गेयरिंग मान लिया। इसके अंदर ये किसी भी शेप का हो जाता है, इसके अंदर एक प्लेनेट गेयरिंग लगा देता हूँ, वो इस पर स्लिप नहीं होगा, लेकिन ये चारों तरफ इस एक्सिस के ऊपर राउंड कर देगा, तो वो एक एपिसाइक्लोइड होता है। ये इंटरनल बताया मैंने, एक्सटर्नल भी होता है। जैसे अगर मैं एक्सटर्नल यहाँ पे ग्रूव्स बना देता हूँ और इसके ऊपर एक प्लेनेट स्केयर रखता हूँ, जो इसके एक्सिस के ऊपर पूरा घूम जाएगा, वो एपिसाइक्लोइड होता है। तो ये यहाँ पे भी दिखाया गया मैंने एपिसाइक्लोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the game of cricket, a ball is thrown from boundary and reaches the gloves of the wicketkeeper. बाउंड्री पे से फेंका, विकेट कीपर के ग्लव्स के ऊपर आया, तो वो क्या बनाया उसने, एक पैराबोला बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाय ए पॉइंट विच मूव्स यूनिफॉर्मली बोथ अबाउट द सेंटर एट द सेम टाइम अवे और टूअर्ड द सेंटर इज ऑल्सो नोन एज इज नोन एज, जैसे ये दिखा रहे देखो, ये बाहर की तरफ जा रहा है और सेंटर की तरफ भी आ रहा है, तो ये क्या होता है हमारे आर्किमिडियन स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ग्रेटर देन वन, हमारे जो हाइपरबोला होता है उसकी इसेंट्रिसिटी जो होती है वन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ जनरेटिंग पॉइंट इज ऑन द जनरेटिंग सर्कल, जो जनरेटिंग पॉइंट है वो जनरेटिंग सर्कल के ऊपर ही है, एंड द जनरेटिंग सर्कल इज आउटसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल द कर्व ऑब्टेन, ये इसके आउटसाइड में है, ये हमारा एपिसाइक्लोइड होता है। नेक्स्ट है, हम पॉइंट्स और लाइंस के प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसके अंदर, इस वीडियोस के अंदर मैक्सिमम मैंने अटेम्प्ट किया है जितने भी टॉपिक्स हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर होते हैं, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सॉलिड हो गया, प्लेन हो गया, सिंपल बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं पेंसिल के ऊपर, लाइंस के ऊपर, वो सब कवर किए हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ए लाइन एंड इज कॉल्ड, एक हमारा प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में एक लाइन खींची गई है, तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस करेगा। इसके लिए देखो, ट्रेसिंग का हमें पता होना चाहिए कि कैसे होती है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। अगर मैं कोई एक यहाँ पे, पहली बात तो ये, किसी के भी अगर हमने पैरेलल लाइन रख दी, जैसे इफ़ ए लाइन इज पैरेलल टू एनी ऑफ द प्लेन इट हैज़ नो ट्रेस अपॉन दैट प्लेन, किसी भी प्लेन के ऊपर उसका कोई ट्रेस नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, देन दैट लाइन विल नॉट मीट हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हेंस देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड ओनली वर्टिकल ट्रेस। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल में है तो उसका ओनली वर्टिकल ट्रेस आएगा हमारा, तो किसी एंगल पे रखेंगे हम तो दोनों के दोनों ट्रेस आने के चांस है। हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ, ये ए बी है हमारा, विद द टॉप प्लेन। और वर्टिकल ट्रेस क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी विद द फ्रंटल प्लेन, फ्रंट की तरफ से जो आता है वो वर्टिकल सेक्शन आता है, वर्टिकल ट्रेस आता है। वैसे हमारा जो ट्रेसिंग होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन सरफेस विद द वर्टिकल प्लेन इज लाइन एंड इज कॉल्ड, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस विद वर्टिकल प्लेन तो कौन सा होगा, वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस विद द प्रोफाइल प्लेन, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोफाइल ट्रेस। हमारे पास इधर एक प्लेन जो होता है वो होता है प्रोफाइल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए लाइन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इट्स प्लेन विल, अगर हमारा इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो इसका क्या होगा, इसका होगा पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। देखना क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के देगा बार बार कि इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, वर्टिकल प्लेन पे इंक्लाइंड है, तो हमने ये देखना है कि वो उसके पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, कैसे दिखाना चाह रहा हो। नंबर ट्रेस्ड प्रोड्यूस्ड इफ रिक्वायर्ड विल मीट ऑन एक्स वाई लाइन, इसका क्वेश्चन आंसर आएगा टू, दो नंबर ट्रेस करते हैं प्रोड्यूस्ड इफ रिक्वायर्ड विल मीट ऑन एक्स वाई लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन विल मेक एन एंगल विद एक्स वाई लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी विद अदर प्रिंसिपल प्लेन. स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन विल मेक एन एंगल विद एक्स वाई लाइन टू द एंगल ऑफ प्लेन विद अदर प्रिंसिपल प्लेन, वो दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगी. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन ए पॉइंट इज अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन. हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. हमें ये पता होना चाहिए हमारे जो टॉप व्यू साइड व्यू फ्रंट व्यू बनाते हैं वो फर्स्ट और थर्ड में बनाते हैं, सेकंड और फोर्थ में ओवरलैपिंग हो जाती है तो नहीं बनाते हैं. उसमें थर्ड एंगल यूरोप के अंदर यूज़ करते हैं, फर्स्ट एंगल हम यूज़ करते हैं. थर्ड एंगल में सेम टू सेम जो हमें एक्चुअल में दिख रही है उसी साइड होता है, और जो ये मिरर इमेज जैसे हम लेफ्ट का राइट में राइट का लेफ्ट में ये हम इंडिया में यूज़ करते हैं. तो इसने बोला जैसे व्हेन ए पॉइंट इज अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन. पॉइंट इज अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है. बिहाइंड वीपी, वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है. तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा ये? अगर ये देखो ये होता है बिहाइंड, हॉरिजॉन्टल के ऊपर वर्टिकल के बिहाइंड, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. इसका आंसर आ गया सेकंड. अगर क्वेश्चन आए कि अबोव हॉरिजॉन्टल फ्रंट ऑफ वर्टिकल, ये पॉइंट होगा इसमें, तो इसका आएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऐसे ही आया व्हेन ए पॉइंट इज बिलो एच पी हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और फ्रंट ऑफ वी पी मतलब यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट है कि व्हेन ए पॉइंट इज बिलो वी पी मतलब यहाँ पे, ये एच पी ये वी पी इसके इधर पे थर्ड क्वाड्रेंट में. ये अच्छे से समझ गए. नेक्स्ट है इफ ए लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, इट्स फ्रंट विल बी पैरेलल टू एक्स वाई लाइन. इसका जो फ्रंट होगा वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल, उसका फ्रंट पूछा था, इसका टॉप पूछ लिया. अगर वर्टिकल के पैरेलल है इसका, तो इसका टॉप व्यू क्या होगा, वो भी पैरेलल होगा एक्स वाई लाइन के. नेक्स्ट है इफ ए लाइन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन, अगर वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है ऐसे, तो इसका एलिवेशन क्या होगा, तो इसका एलिवेशन जो होगा वो होगा पैरेलल टू एक्स वाई लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए लाइन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट. अगर हमारा इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन पे, पैरेलल टू एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये हमारी ट्रू लेंथ इक्वल टू प्लेन लेंथ, ये सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए लाइन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन द फ्रंट व्यू विल बी, फ्रंट व्यू क्या होगा, वो भी पैरेलल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन, ये सब अज्यूम करके चलना पड़ेगा. जैसे ये 3D व्यू और 2D व्यू हमको अज्यूम करके चलना होगा कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन है. अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन रखता हूँ, यहाँ पे इस एंगल पे लाइन रखता हूँ, ऐसे लाइन रखता हूँ, पैरेलल परपेंडिकुलर, ये सब अज्यूम करके चलना पड़ेगा दिमाग में ही. व्हेन द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन हैविंग ए लेंथ लेस देन द ओरिजिनल लेंथ देन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट.
अगर हमारा फ्रंट व्यू है जो लेंथ फ्रंट व्यू की ओरिजिनल लेंथ से कम है तो क्या होगा हमारा, हमारा लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, ये भी होगा और ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे व्हेन ए प्लेन इज पैरेलल टू HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन कहाँ होगा फिर? ये देखो इसमें दिखाया गया, ये प्रोफाइल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ये ट्राइंगल दिखा दिया हमारा, ए बी जो है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे इसका ड्राइंग बनाएगा जो, जैसे वर्टिकल प्लेन के ऊपर फ्रंट व्यू बन गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमारा टॉप व्यू बन गया, और प्रोफाइल प्लेन के ऊपर राइट हैंड व्यू बन गया। ऐसा ज़ूम करके चलना पड़ेगा हमको, जैसे उसमें हम एक पॉइंट को डिसाइड कर रहे थे कि किस क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे ही अब 3D को आगे अगर हमने ड्राफ्टिंग करनी है तो कौन कौन से प्लेन के अंदर ये जाएगा। क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन था कि व्यू कौन सा आएगा इसके अंदर, पहले कौन सा व्यू हमें दिखेगा, तो इसका आएगा हमारा टॉप व्यू। तो प्रोफाइल प्लेन में ये टॉप व्यू आएगा। ए प्लेन सरफेस हैज टू डायमेंशंस, कोई भी सरफेस हमारा स्क्वायर है ट्राइंगल है, ये सब के सब हमारे 2D में अगर, वो एक प्लेन सरफेस कहलाएगा। थ्री डायमेंशनल ड्राइंग ऑफ द प्लेन इन द गिवन पोजिशन, वी कैन विजुलाइज दैट एलिवेशन विल डैश ऑफ द सेम साइज। एलिवेशन जो होगा प्लेन होगा, सर्कुलर प्लेन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या नन ऑफ दीज होगा, तो एलिवेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। 3D का एलिवेशन कभी भी ड्रॉ करते हैं हम, वो 2D में एक स्ट्रेट लाइन में आता है एलिवेशन। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, द प्रोजेक्शन ऑन दैट प्लेन विल बी, अगर हमारा प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल प्लेन है, इस प्रिंसिपल प्लेन से हमारा पैरेलल है, पोजीशन कहाँ पे होगी उसकी? पोजीशन होगी स्ट्रेट लाइन। ये इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर, थ्री डायमेंशनल ड्राइंग ऑफ द प्लेन इज इन द गिवन पोजीशन, वी कैन विजुलाइज दैट एलिवेशन विल बी प्लेन ऑफ सेम साइज, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका होगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इन टू अदर प्लेन ड्यू टू इंक्लिनेशन विल नॉट शो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इन द टू अदर प्लेन्स ड्यू टू इंक्लिनेशन विल नॉट शो, इंक्लिनेशन प्लेन लाइन और ट्रू कोई भी है, जो अगर हमारा प्रोजेक्शन जो है दो अलग प्लेन के अंदर इंक्लिनेशन शो नहीं करेगा तो वो एक ट्रू शेप नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेस ऑन अदर प्रिंसिपल प्लेन विल बी, जो ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन का होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन होगा, परपेंडिकुलर प्लेन होगा, या परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये प्लेन है, तो इसका आंसर आएगा परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट है, व्हेन ए प्लेन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, कोई प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल है,
तो वो प्रोफाइल प्लेन में कौन सा व्यू दिखेगा आगे? प्रोफाइल प्लेन के अंदर हमें साइड व्यू दिखेगा। नेक्स्ट है ए व्यूइंग डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन गिवन इन क्वेश्चन गिव्स। कोई व्यूइंग डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो वो कौन सा व्यू देगा हमारे हमारे को? वो देगा हमारे को नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व्यूइंग डायरेक्शन विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस। अगर परपेंडिकुलर था तो नॉर्मल दे रहा था मेरे को, और अगर हमारा व्यूइंग डायरेक्शन जो पैरेलल है तो हमारा एज व्यू देगा। ये याद रखना है, परपेंडिकुलर में नॉर्मल व्यू और पैरेलल में एज व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडिंग ऑन इट्स रिलेशनशिप टू द प्रोजेक्शन प्लेन ऑन विच द व्यू इज प्रोजेक्टेड ए लाइन में प्रोजेक्ट। एक ट्रू लेंथ भी, एक फोरशॉर्टन भी, पॉइंट भी दिखा सकता है। लाइन की प्रोजेक्ट जो होती है वो ट्रू लेंथ भी दिखा सकता है, जितनी लेंथ की है वो उसको छोटा करके भी दिखा सकता है प्रोजेक्शन में। एक पॉइंट के द्वारा भी दिखा सकता है। अगर हम एक लाइन का फ्रंट व्यू देखें तो वो एक पॉइंट आता है, किसी एंगल पे देखें वो छोटा दिखेगा, और अगर हम डायरेक्ट देख रहे हैं फ्रंट व्यू तो वो ट्रू लेंथ दिखेगी। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देन द एंगुलर रिलेशनशिप ऑफ दैट सरफेस टू एट लीस्ट टू अदर प्रिंसिपल प्रोजेक्शन प्लेन इज। पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड या अननोन? इसका आएगा परपेंडिकुलर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन है तो एंगुलर रिलेशनशिप क्या होगा इसका सरफेस का? दो अलग प्रिंसिपल प्रोजेक्शन के साथ वो परपेंडिकुलर होगा। स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन विल मेक एन एंगल विद एक्स वाई लाइन। एक एक्स वाई लाइन के साथ में जो स्ट्रेट लाइन है कौन सा एंगल बनाती है? द एंगल ऑफ प्लेन विद अदर प्रिंसिपल प्लेन। इसके साथ कौन सा एंगल बनाती है हमारा? इक्वल एंगल बनाती है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ए लाइन एंड इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये पहले भी आ चुका है, कौन सा ट्रेस कहलाएंगे उसको? हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल के साथ में वर्टिकल ट्रेस। रिपीट हो गए दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सॉलिड की प्रोजेक्शन। अब तक हमने एक प्लेन की देखी है, लाइन देखी है और पॉइंट्स की। पहले हमें सॉलिड का पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। जैसे सेम शेप होते हैं, ये प्रिज्म होते हैं हमारे, ये पिरामिड होते हैं। मतलब जैसे हमारा बेस से स्टार्ट हुआ वैसा ही टॉप तक जाएगा, वो होता है प्रिज्म। जो बेस पे कोई शेप है ऊपर जाके एक पॉइंट के ऊपर मिल गया, वो हो गया हमारा पिरामिड। एग्जांपल जैसे सिलेंडर है, अब इसका बेस हो गया ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। पिरामिड के भी ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल हो सकते हैं बेस, लेकिन आगे जाके एक पॉइंट बना देंगे। कोन में भी जैसे नीचे हमारा सर्कुलर होता है, ऊपर जाके एक तंबू बन जाते हैं टाइप से। ये टेट्राहेड्रन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये फोर ट्राइंगुलर फेस का होता है और क्यूब जो होता है वो सिक्स स्क्वायर फेस का होता है। दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज टू बेसिस दैट आर पैरेलल इक्वल पॉलीगन। दो बेस होते हैं दैट आर पैरेलल इक्वल पॉलीगन्स, तो ये इसको कहेंगे प्रिज्म, ये वाला। नेक्स्ट है द सॉलिड हैविंग ए पॉलीगन फॉर बेस एंड ट्राइंगुलर लेटरल फेस इंटरसेक्टिंग ए वर्टेक्स। एक वर्टेक्स के ऊपर मिलेंगे आके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? पिरामिड।
अमोंग द फॉलोइंग सॉलिड रेगुलर पॉलीहेड्रन, इनमें से पॉलीहेड्रन कौन सा है? क्यूब। नेक्स्ट है सॉलिड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस, इनमें कम से कम फेस कौन से के हैं हमारे पास? टेट्राहेड्रन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फेस इन डोडेकहेड्रन, इनमें से डोडेकहेड्रन के नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 12। द नंबर ऑफ स्टेजेस दैट आर नेसेसरी टू गेट द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ सॉलिड हैविंग इट्स एक्सिस इंक्लाइंड टू बोथ रेफरेंस प्लेन इज, नंबर ऑफ स्टेज कितने आते हैं इसके अंदर? 3 आती हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज देखने के लिए, एक टॉप व्यू, एक साइड व्यू और एक फ्रंट व्यू। जैसे ये सॉलिड्स हैं इनके कटिंग सेक्शंस देख लो, जैसे अगर मैं कोन को इस एंगल पे काट दूं, एक सिलेंडर को इस एंगल पे काट दूं, फर्स्ट टर्म बन जाते हैं हमारे कोन को काटने से पिरामिड्स बनते हैं। ये शेप पूछ लेते हैं कि इस एंगल पे काट दें, एक पैरेलल टू काट दें, तो हमारी शेप कौन सी बनती है आगे? ये पिरामिड है, पिरामिड की एक स्लेंट एज होती है, ये बेस होता है, ये ट्रायंगुलर फेस होता है। कई बार कहेगा कि हमारी स्लेंट एज को काट दिया जाता है बेस के पैरेलल से, तो कौन सी शेप बन जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेट्राहेड्रन इज रेस्टिंग ऑन इट्स फेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक टेट्राहेड्रन है, फेस इसका है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर विद द साइड सॉरी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन इट्स फ्रंट व्यू विल बी, कोई टेट्राहेड्रन है हॉरिजॉन्टल फेस है परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन है, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे होगा? फ्रंट व्यू कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रन प्लेन का फ्रंट व्यू कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल का होगा, स्केलन ट्राइंगल का होगा या राइट एंगल का? इसका होगा आइसोस्केल्स। देखो इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों के तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोस्केल्स में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं एक डिफरेंट होती है, मतलब दो एंगल भी इसमें सेम होते हैं एक डिफरेंट एंगल होता है। स्केलन में क्या होता है, तीनों साइड तीनों एंगल अलग अलग। राइट एंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री एंगल, दोनों 30 60 भी हो सकते हैं और 45 45 भी होते हैं, तो इसका आंसर है आइसोसेलस ट्राइंगल। ए स्क्वायर पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन फेस इन वर्टिकल प्लेन, एक स्क्वायर पिरामिड है वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर उसका फेस है, नंबर ऑफ डॉटेड लाइन विच विल अपीयर इन फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के अंदर कितनी डॉटेड लाइन हमें दिखेंगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिड विच विल हैव 2 डॉटेड लाइन इन द टॉप व्यू व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स फेस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, टॉप व्यू में हमें 2 डॉटेड लाइन कब दिखेंगे अगर हमारा जो फेस जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्टिंग कर रहा हो? स्क्वायर पिरामिड का भी वही दिखेगा, पेंटागनल पिरामिड का भी और हेक्सागनल पिरामिड का भी, मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए राइट सर्कुलर कॉन रेस्टिंग ऑन पॉइंट ऑफ इट्स बेस, बेस जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, हैज द एक्सिस इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 45 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन, द एंगल बिटवीन द रेफरेंस लाइन एंड द टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस, इसके टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन के बीच में कितना एंगल होगा? वो होगा मेरा 45 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 45 डिग्री। द राइट सर्कुलर कॉन रेस्टिंग ऑन जनरेटर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज द एक्सिस इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 45 टू द वर्टिकल प्लेन, एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड टॉप व्यू,
ये कितना होगा हमारा, मोर देन 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर रेस्टिंग पॉइंट बेस सर्कल जो है इसका सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, 60 डिग्री इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो इसका टॉप व्यू जो होगा रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, ए कटिंग प्लेन कट द कोन सच ए वे, एक कोन को इस शेप में काटा जाता है दैट ट्रू शेप ऑफ कटिंग पोर्शन इज सीन एज ट्राइंगल व्हेन कटिंग प्लेन इज कट द बेस एंड पास्ड थ्रू। एक ट्राइंगल की तरह दिखेगा उसका कटिंग पोर्शन जो है अगर हम उस कोन को किस हिसाब से काटें, मिड पॉइंट से काटें या अपेक्स ऑफ कोन से काटें या जनरेटर ऑफ कोन से काटें या एनी पॉइंट, ये अपेक्स से काटेंगे अगर तो हमारा एक ट्राइंगल दिखेगा। नेक्स्ट है, अनदर नेम ऑफ क्यूब, ये भी आते हैं कई बार, क्यूब का टेट्राहेड्रन का दूसरा नाम क्या है, क्यूब का दूसरा नाम है आइसोकोहेड्रन, टेट्राहेड्रन का दूसरा नाम क्या है, टेट्राहेड्रन का दूसरा नाम है ट्राइंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट है, कौन हैज़ टू प्लेनर सरफेस पैरेलल टू ईच अदर, तो वो होता है ट्रंकेटेड कौन जो होता है, ये ट्रंकेटेड कौन जो होता है वो दो पैरेलल सरफेस होते हैं उसके, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट है, द सॉलिड हैविंग ए पॉलीगन फॉर ए बेस एंड ट्राइंगुलर लेटरल फेस इंटरसेक्टिंग एट ए वर्टेक्स इज पिरामिड। नेक्स्ट है, नेम द सॉलिड फॉर्म्ड बाय फोर इक्विलेटरल ट्राइंगल, चार इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर क्या बनता है, टेट्राहेड्रन। ये पहले मेंशन कर चुका हूँ जब डायग्राम दिखाया था। नेक्स्ट है, व्हेन द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन द व्यू विच रिवेल द ट्रू शेप ऑफ द बेस, बेस की ट्रू शेप कौन सा व्यू दिखाएगा इसका, साइड व्यू। नेम द सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्राइंगल विद वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड, या इससे रिवॉल्व करवा रहे हैं अगर हम अगर एक को फिक्स कर दें दूसरी साइड से हम रिवॉल्व करवाएं तो सॉलिड क्या बनेगा इसका, मेरा बन जाएगा कौन। व्हेन द कौन रेस्टिंग ऑन द बेस ऑन वीपी वर्टिकल प्लेन इज कट बाय सेक्शन प्लेन पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन देन द ट्रू शेप इज, अगर हम कौन को काट देंगे तो ट्रू शेप क्या होगी, इलिप्स की होगी, और कौन सा व्यू दिखेगा उसमें, टॉप व्यू में इलिप्स दिखेगा हमारा। टू ऑब्टेन द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड एन ऑक्सिलरी प्लेन इज सेट, ऑक्सिलरी प्लेन को कैसे सेट करते हैं हम, पैरेलल टू कटिंग प्लेन सेट करते हैं ट्रू शेप के लिए, सॉलिड की कटिंग प्लेन के से पैरेलल सेट करते हैं। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के, और एक लास्ट में चेक करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के क्वेश्चन, इसके ऊपर भी बहुत बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्केच आर टिपिकली यूज्ड इन द रिफाइनमेंट स्टेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस, रिफाइनमेंट स्टेज के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट यूज करते हैं हम स्केचिंग वाला। व्हाट टाइप ऑफ स्केच इनकॉर्पोरेट कन्वर्जेंस, कौन सा इनकॉर्पोरेट होता है इसमें, पर्सपेक्टिव स्केच जो होता है वो इनकॉर्पोरेट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ स्केच शोज द फ्रंट इन ट्रू शेप, फ्रंट कौन सा ट्रू शेप दिखाता है, ओब्लिक।
ओब्लिक स्केच जो होता है फ्रंट को ट्रू शेप में दिखाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या दिखाता है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या की कौन सी डेफिनेशन ठीक है? ये मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन और पैरेलल प्रोजेक्शन के ये, मतलब कि इसके आंसर ये बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ स्केच यूजेस ए मीटर लाइन। कौन सा स्केच जो है मीटर लाइन को यूज करता है? ए थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव, पिक्टोरियल, या ए टू पॉइंट मल्टी व्यू, या एन आइसोमेट्रिक पिक्टोरियल, या ए थ्री पॉइंट थ्री व्यू मल्टी व्यू। इसका आंसर आएगा थ्री व्यू मल्टी व्यू। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल प्लेन इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तीन प्रिंसिपल प्लेन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? फ्रंट, हॉरिजॉन्टल, प्रोफाइल। नेक्स्ट है, द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड टिपिकली बी ड्रॉन। जो टॉप व्यू है वो हमारा हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। नेक्स्ट है, द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ मल्टी व्यू ड्रॉइंग विल अपीयर एज। हॉरिजॉन्टल सरफेस मल्टी व्यू ऑफ मल्टी व्यू ड्रॉइंग विल अपीयर एज। फ्रंट व्यू के अंदर कैसा दिखेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस मल्टी व्यू ड्रॉइंग का? ये दिखेगा हमारा एज। विच व्यू इज यूजुअली डेवलप्ड फर्स्ट, कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ हिडन लाइन्स एंड शोज द मोस्ट कॉन्टोर इन मल्टी व्यू ड्राइंग। कौन सा व्यू जो होता है पहले दिखता है, जो जिसके अंदर हिडन लाइन्स सबसे कम होती हैं, वो तुम्हारा फ्रंट व्यू। स्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन हाउ मैनी व्यूज। एक स्फीयर को हम कितने व्यूज के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं? सिर्फ एक ही व्यू में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द इंजीनियरिंग कस्टम इन यूरोप डिक्टेट्स द यूज ऑफ। अभी बताया था पहले कि हम यूज करते हैं फर्स्ट एंगल, सॉरी ये यूरोप में करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज, थर्ड एंगल नहीं सॉरी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज करते हैं यूरोप में। द सीक्वेंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ व्यू और लाइन ऑफ साइट फॉर एनी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एज यूटिलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। इसका आंसर आएगा आई ऑफ ऑब्जर्वर, प्रोजेक्शन प्लेन, फिर ऑब्जेक्ट। गुड प्रैक्टिस डिक्टेट्स दैट द करेक्टरिस्टिक कंटोर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बी शोन इन व्हाट व्यू। इसका आंसर आएगा फ्रंट व्यू। नेक्स्ट है, द हाइट, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी शोन विद ए मिनिमम ऑफ हाउ मैनी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यू। हाइट, विड्थ और डेप्थ ये हमारे दो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यू में पता लग सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू बोथ शो द हाइट डायमेंशन। एक हमारा लेफ्ट साइड और एक फ्रंट। लास्ट पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। इफ ए क्लाइंट ऑफ योर्स इज हैविंग डिफिकल्टी विजुलाइजिंग ए डिजाइन,
वट टाइप ऑफ ड्राइंग वुड बी ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड, इसके लिए हम ये देख लेते हैं। ये होती है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री एंगल होता है, एक 30 डिग्री एंगल पे व्यू दिखाते हैं हम, जिसमें हम 3D व्यू दिखता है हमारा। डायमेट्रिक में एक 15 डिग्री एंगल पे दिखाते हैं, और ट्राइमेट्रिक पे एक 45 डिग्री एंगल होता है, एक 15 डिग्री एंगल होता है। तो ये हमारा ईजीएस्ट व्यू होता है। तो अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिक्टोरियल ड्राइंग, इनमें से कौन सा पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है? मल्टी व्यू कोई पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है। आइसोमेट्रिक होता है, पर्सपेक्टिव होता है, और एक्सोनोमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन मेथड डज नॉट यूज प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन, कौन सा आएगा? आइसोमेट्रिक आएगा, ऑर्थोग्राफिक आएगा, ओब्लिक आएगा, या एक्सोनोमेट्रिक आएगा? इसका आएगा ओब्लिक। नेक्स्ट है ए सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एज ए, सर्कल जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर कैसा दिखेगा? इलिप्स दिखेगा ये। नेक्स्ट है एन एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग विच हैज़ टू एक्सिस डिवाइड्स बाय इक्वल एंगल, एक ज्योमेट्रिक ड्राइंग है, दो एक्सिस हैं, तो ये डायमेट्रिक एंगल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर लेमिना इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अपीयर्स एज, एक स्क्वायर लेमिना होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, कैसा दिखता है? पैरेललोग्राम। इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल टू द आइसोमेट्रिक एक्सिस आर कॉल्ड, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम? नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। नेक्स्ट है द प्रोजेक्शन शोइंग द फ्रंट इन द ट्रू शेप एंड साइज इज ओब्लिक, फ्रंट जो होता है एक ट्रू शेप और साइज में होता है, वो ओब्लिक के अंदर शो करता है हमारा। नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन इन थ्री व्यू ड्राइंग विल अपीयर एज फोर शॉर्टन इन द ईच व्यू, कि एक मेरा कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, एक क्यूब को ही अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन के अंदर ड्रॉ करना चाहूँ, तो इसके कोई भी व्यू होगा वो इसका ट्रू साइज नहीं दिखाएगा, उसको हर एक व्यू के अंदर छोटा साइज दिखेगा मेरे को। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज व्हेन प्रोजेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर बट आर एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री देन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंगुलर। लास्ट है ये व्हाइल ड्राइंग द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्फीयर इट्स डायमीटर इज टेकन एज इक्वल टू एक्चुअल डायमीटर। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस वीडियोस के अंदर सब टॉपिक्स को कवर कर दिया है। मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।